प्राइवेट स्कूलों की बेरहमी मासूम बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। शिक्षक पढ़ाने के बजाय छोटे बच्चों पर जुल्म ढा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला इटखोरी थाना क्षेत्र में सामने आया है। मामला परोका गांव में संचालित साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का है, जहां तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र मंचकावा निवासी राजकुमार सिंह की छोटी सी गलती ने शिक्षिका अंजलि अग्रवाल को इस कदर नाराज कर दिया कि वे उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं रख सकी। उन्होंने मासूम को 300 बार उठक बैठक करने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद तीसरी क्लास के राजकुमार पर यह सजा इतनी भारी पड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। क्यों दिया गया था? तीन सौ बार पनिशमेंट मिला था, तो 300 बार उठक बैठक करवाया गया था उसको, उसी में उसको फिट वगैरह आ गया था। इटखोरी के परोका इलाके में संचालित साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आज सुर्खियों में है। सुर्खियां बटोरने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ एक शिक्षिका के द्वारा तीसरी कक्षा के बच्चे के साथ बेरहमी की इंतहा पार की गई है। बच्चे को मामूली किताब नहीं लाने का दंड इतना दिया गया कि वो बेहोश होकर गिर गया और उसके नाक से खून निकलने लगा, जिसके बाद न तो परिजनों को इस मामले की जानकारी दी गई और न ही इस विद्यालय प्रबंधन ने बच्चे को अस्पताल ले जाना मुनासिब समझा। चालक ने घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन भागे भागे यहाँ आए और बच्चे को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। इस पूरे मामले में विद्यालय प्रबंधन का पक्ष लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन विद्यालय प्रबंधन इतना घबरा गया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि वह विद्यालय में ताला जड़ के फरार हो चुका है। चतरा से सूर्यकांत कमल, ईटीवी भारत।